कोरोना की चौथी लहर आने के बीच देश में कोविड 19 के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के मायागंज अस्पताल का जायजा लेने पर यह सामने आया है कि अब तक इस नए वेरिएंट का कोई भी मरीज यहां नहीं पाया गया है। वहीं चौथी लहर को मायागंज अस्पताल कितना तैयार है, साथ ही अगर चौथी लहर में कोई भी केस भागलपुर में पाया जाता है तो उससे बचाव कैसे करें, इसकी खास जानकारी मायागंज अस्पताल के अधीक्षक असीम कुमार दास ने साझा किया है। चौथी लहर का अनुमान मैंने फरवरी माह में ही अपने एक लेख में राष्ट्रीय मासिक पत्रिका में कर दी थी और वो ये था कि ओमिक्रॉन BA.1 वेरिएंट से हुआ था, जो कि हल्का फुल्का था, मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी और वो अपने आप ठीक हो गया था। सेल्फ आइसोलेशन, लक्षण भी कम थे, मॉर्टैलिटी भी नहीं के बराबर थी। लेकिन उस समय ये अनुमान था कि अब इसका कोई नया वेरिएंट अगर निकलेगा तो क्या होगा। फरवरी के माह में उस समय कोविड BA.2 का वेरिएंट सिर्फ इंग्लैंड में मौजूद था और वो लगभग 1000 की संख्या थी। तो वही 1000 की संख्या वाले BA.2 जिसका भय था कि वो फिर दुनिया में फैला सकता है, और 2 महीने के बाद सचमुच में वो BA.2 बह गया, भारत में भी प्रवेश कर गया, कुछ और देशों में भी आ चुका। BA.2 वेरिएंट के साथ साथ 10.1 एक दूसरा वेरिएंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और एक है XE वेरिएंट। इस तरह से ये 2 वेरिएंट जो है ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा और भी 4 वेरिएंट्स हैं जिसका कि कम केसेज है और खतरनाक बिल्कुल नहीं। तो सर, जो वैक्सीनेटेड हैं उन पर क्या असर होगा? हाँ, ये एक चीज़ बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि वैक्सीनेटेड लोगों पर इस वायरस का रिलेटिवली कम असर हो रहा है। जो उन्होंने वैक्सीन के 2 डोज ले लिए हैं उन्हें ये कम संख्या में इन्फेक्ट कर रहा है। यानी कुल मिलाकर कि जो लोग अभी, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन तो करा लिया है, लेकिन जो लोग अब तक नहीं करवाए हैं क्या उनके लिए इफेक्टिव साबित होने जा रहा है? जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको अभी भी वैक्सीनेशन की तरफ रुख कर लेना चाहिए और वो कर लें, और उनको बचाव ही एक दूसरा साधन है। बचाव का यानी कि भीड़ भाड़ में ना जाएँ और जो उसके जो 3 मेन है बचाव के तरीके उसका इस्तेमाल करें, और बाकी उन लोगों को ज़्यादा भय होना चाहिए जिसमें कि कुछ एसोसिएटेड डिजीज है, जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटिक है, या और मेटाबॉलिक डिजीज है, कुछ किडनी का डिजीज है, रिनल का फेल्योर है, इस टाइप का है। तो वैसे लोगों में ये ज़्यादा इन्फेक्ट होने की संभावना होगी और खतरा साबित होगा। वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो कोविड का नया BA.2 और XAI वेरिएंट है, जिसका खासा असर चीन के शंघाई शहर में देखने को मिला है। वहीं भारत में अगर NCR रीजन की ओर रुख करें तो वहां भी इस वेरिएंट के ज्यादातर केसेस देखने को मिले हैं। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।